हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह टिंकर कैट सीरीज़ का 6th पार्ट है। इस पार्ट में हम मोटर ड्राइवर का इंटरफेस देखने वाले हैं, साथ ही साथ मोटर ड्राइवर का यूज़ रोबोट बनाने में किस तरीके से करते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो एक डीसी मोटर लेते हैं, और एक 9 वोल्ट बैटरी ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, एक 9 वोल्ट बैटरी मैंने लिया है और एक डीसी मोटर लिया है। जैसे मैं इसके नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करता हूँ नेगेटिव से, और पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करता हूँ पॉजिटिव से, और इसको मैं जस्ट स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट सिमुलेटिंग। तो देखिए, अभी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए, अगर मैं पोलैरिटी को चेंज करना है मुझे, तो ये कनेक्शन को मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से अब मैं इसको सिमुलेट करता हूँ। तो अभी देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से हम मैनुअली हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करा सकते हैं अपने मोटर्स को। तो यही काम हमको अपने ड्राइवर से कराना है। तो यही काम मैन्युअली नहीं करना, यही काम हमको ऑटोमेटिकली करना है, इसलिए हमको ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं उसको। इसके लिए मैं ले लेता हूँ एक ऊनो बोर्ड, मीडियम ब्रेड बोर्ड, एक 9 वोल्ट बैटरी, मोटर्स डीसी मोटर्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आएंगे डीसी मोटर, हॉबी गियर मोटर और माइक्रो सर्वो मोटर। तो हम यह डीसी मोटर को लेते हैं। तो हम यहाँ पर दो डीसी मोटर को पहले कनेक्ट करते हैं, और एक हमको क्या लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ड्राइवर। तो यहाँ पर आ गया L293D मोटर ड्राइवर को, इस तरीके मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और अपने मोटर्स को रोटेट कर लेता हूँ। तो हम पहले दो मोटर्स को रन करके देखते हैं अपने मोटर ड्राइवर से। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये L293D मोटर ड्राइवर है। तो यहाँ से मैंने ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कर लिया इसको। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है, अनेबल 1-2, ये जो पावर है आपका 12 वोल्ट सप्लाई देने के लिए है। यहाँ भी आपका पावर 1 है। आप यहाँ पर दो इनपुट दिखेगा, इनपुट 1 एंड इनपुट 2, आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2, और यहाँ पर दो ग्राउंड है, ठीक है। राइट हैंड सेक्शन पे भी वैसे ही है, पावर 5 वोल्ट सप्लाई करने के लिए, इनपुट 4, इनपुट 3, आउटपुट 4, आउटपुट 3, और ये दो ग्राउंड है आपके। तो इस तरीके से जैसे हमने इंट्रोडक्शन पे देखा था, वैसे ही है इसमें भी है। तो सबसे पहले ब्रेडबोर्ड को पावर दे देते हैं। फाइव वोल्ट, देन ग्राउंड, इस तरीके से मैंने 5 वोल्ट अपने ब्रेडबोर्ड को पावर दे दिया। अब यहाँ पर 9 वोल्ट हम 9 वोल्ट सप्लाई करने वाले हैं अपने मोटर्स को। तो हम पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से। तो इस तरीके से आपके पास 9 वोल्ट का भी सप्लाई है और 5 वोल्ट का भी सप्लाई है। तो चलिए कलेक्शन कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले ये जो हमारा एनेबल पिन है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, और इसको मेरे को 5 वोल्ट देना है। मैं इसको 5 वोल्ट सप्लाई दे देता हूँ इस तरीके से, रेड 5 वोल्ट के लिए रेड। और यहाँ पर देखो 12 वोल्ट, ये जो पावर टू है ये 12 वोल्ट सप्लाई देने के लिए। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर से 12 वोल्ट सप्लाई दे देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को पहले कनेक्ट कर लेते हैं, और इसमें आपका है ग्राउंड पिन।
तो ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ग्राउंड को ब्लैक कलर से। अब बचा इसमें आपका इनपुट पिंस। तो इनपुट पिंस जो है आपके, वो आपका आर्डिनो का डिजिटल पिन से कनेक्ट होगा। तो मैं इस इनपुट पिन को आर्डिनो के पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये आपका इनपुट 1, ये भी आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट होगा। तो इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पिन नंबर 3 से। ठीक है, अब बचता है हमारे पास आउटपुट पिंस, आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2। ये हमको किस में कनेक्ट करना होता है, मोटर्स में। तो मोटर्स पे कनेक्ट कर लेते हैं। एक का है ब्लैक पावर दे और देने के लिए, और रेड को रेड से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो दो आउटपुट है आपका मोटर से कनेक्ट कर लिए, और दो इनपुट को हमने आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट कर लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आप पूरा कनेक्शन हो चुका है। राइट हैंड साइड में आप कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये आपका जो अनेबल पिन है, इसको हमेशा हमको हाई रखना पड़ता है। तो ये 5 वोल्ट में सप्लाई करना पड़ता है इसको। 5 वोल्ट मैंने दे दिया। और ये पावर 1 है, इसको भी हमको 5 वोल्ट सप्लाई देना होता है। अब देख लेते हैं ग्राउंड पिंस। ग्राउंड को ग्राउंड से, इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो इनपुट पिंस है, ये आपके आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट होगा। तो आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट कर लेते हैं इसको। तो इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ पिन नंबर 4 से। पिन नंबर 4, ठीक है। और एक और इनपुट है यहाँ पर, वो भी आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट होगा। इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पिन नंबर 5 से। जो चारों आपके इनपुट पिन हैं, वो आपके डिजिटल पिन से कनेक्ट होंगे। ठीक है, और बचते हैं आपके जो आउटपुट पिन हैं, ये आपके सेकंड मोटर से कनेक्ट होंगे। तो इस मोटर से कनेक्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, और रेड को रेड से एक और पिन से कनेक्ट करना है। इस तरीके से हमने दो मोटर्स को हम अपने मोटर ड्राइवर से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो मैं कोड को कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। जो इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको कोड के बारे में बता देता हूँ। तो मैंने जो चार हमने डिजिटल पिंस लिए हैं, उसको हमने डिफाइन किया है M1, M2, M3 एंड M4 के लिए। तो ये फर्स्ट मोटर के लिए आपने लिया है 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन। इनपुट 1 एंड इनपुट 2 के लिए M1 और M2 लिया है। और आपका जो इनपुट 3 और इनपुट 4 है, उसके लिए M3 एंड M4 वेरिएबल लिया है। और हमको वाइट सेटअप में बताना होता है कि वो जो पिन हमने लिया है डिजिटल पिन, वो इनपुट पिन है फिर आउटपुट पिन है। तो सभी पिन क्या है, आपके आउटपुट पिन्स हैं। वाइट लूप में आ जाते हैं। इसमें सिंपल सा आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा, जो आपको फॉरवर्ड है, मतलब आपके रोबोट को फॉरवर्ड डायरेक्शन पर मूव करना है, मतलब आपका जो रोबोट है वो आगे जाएगा। तो उसके लिए देखिए कैसे करते हैं। तो हमारा जो इनपुट है, जो मोटर 1 का इनपुट है, हमको उसको ही बस लो और हाई करना पड़ता है। तो जो आपका इनपुट 1 है M1, उसको हमने लो दिया है। जो उसका इनपुट 2 है, उसको हाई दिया है। ठीक है, और आपका जो सेकंड मोटर है, उसको लो दिया है और नेक्स्ट इनपुट को हाई दिया है। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट मोटर है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, और जो आपका
सेकेंड मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा। तो इस तरीके से आपका जो रोबोट है वो फॉरवर्ड मूव करेगा, और ये कितने सेकेंड के लिए मूव होगा, 1 सेकेंड के लिए। सिमिलरली आपका जो रोबोट है वो बैकवर्ड जाएगा, मतलब पीछे जाएगा। उसके लिए बस पहले हमने हाई दिया था उसको, उसको आप जस्ट लो हाई कीजिए और लो कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाई और लो कीजिए, बस आपको पोलैरिटी चेंज करनी है। तो आपका जो मोटर है वो पीछे आना चालू हो जाएगा, और कितने सेकंड के लिए होगा ये, 1 सेकंड के लिए। लेफ़्ट टर्न कैसे लेगा वो, एक मोटर ऑन रखना है और एक मोटर ऑफ़ करना है, तो आपका जो रोबोट है वो लेफ़्ट टर्न ले लेगा। तो देखिए हमने पहले जो एक मोटर को लो सप्लाई दिया है, मतलब 0 वोल्ट सप्लाई दिया है, तो वो ऑफ़ रहेगा, और दूसरा मोटर रोटेट करेगा तो वो लेफ़्ट टर्न लेगा। और ये कितने समय के लिए लेफ़्ट टर्न लेगा, 1 सेकंड के लिए। वैसे राइट टर्न के लिए आपको सेकंड वाले मोटर को ऑफ़ रखना है और फर्स्ट मोटर को पावर देना है, तो उससे आपका जो रोबोट है वो राइट टर्न करेगा। और कितने समय के लिए राइट टर्न करेगा, 1 सेकंड के लिए। अगर आपको स्टॉप करना है आपके रोबोट को या मोटर्स को, मतलब 0 वोल्ट सप्लाई देना पड़ेगा। तो देखिए लो, हमने सभी को लो सप्लाई दिया है, और कितने सेकंड के लिए स्टॉप रहेगा आपका रोबोट, 1 सेकंड के लिए। फिर से ये कंटिन्यूसली लूप में चलते रहेगा, फॉरवर्ड जाएगा 1 सेकंड, 1 सेकंड आपका बैकवर्ड जाएगा, फिर लेफ्ट टर्न लेगा, देन राइट टर्न, फिर 1 सेकंड के लिए स्टॉप रहेगा। ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। देख लिया आपका जो मोटर है वो एक एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है और एक क्लॉकवाइज में, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी देख लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया सेकंड वन, और ये आपका क्लॉकवाइज, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे। अभी लेफ्ट टर्न हो रहा है, ये एक मोटर ऑफ हो चुका है और दूसरा मोटर चल रहा है, तो ये लेफ्ट टर्न ले रहा है। अभी देखिए ये मोटर ऑफ हो गया और ये मोटर आपका चल रहा है, तो राइट टर्न लेगा। अभी देखिए दोनों ऑफ हो गया, मतलब 1 सेकंड के लिए स्टॉप हो गया, देन अगेन ये स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आपका जो रोबोट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न, और स्टॉप रहेगा 1 सेकंड के लिए। तो इस तरीके से आप मोटर्स को ड्राइवर की सहायता से चला सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, सिर्फ 2 मोटर का ही यूज़ किया है। अगर आपको रोबोट बनाना है 4 व्हील ड्राइव, तो आपको 4 मोटर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम यहाँ पर 2 मोटर और ऐड कर लेते हैं। जनरली जो L293D मोटर ड्राइवर होता है वो 2 मोटर के लिए रन करने के लिए बनाया गया है, लेकिन आप इसको 4 मोटर को भी रन कर सकते हैं इससे। चलिए उसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं 2 मोटर और लेके। तो जनरली हम जब रोबोट बनाते हैं तो उसमें 4 मोटर का यूज़ करते हैं अपन। जो लेफ्ट हैंड साइड का जो मोटर हमने सेलेक्ट किया है उसको एज इट इज आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसमें ही ज्वाइन कर सकते हैं आप, और इसको इस तरीके से रेड एंड ब्लैक, और यहां से हमको रेड से ज्वाइन कर लेते हैं। ब्लैक को ब्लैक से, तो इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। आप डायरेक्टली जो सेकंड मोटर सेलेक्ट किया है उसको आप यहाँ से भी कनेक्ट आउटपुट 1 और आउटपुट 2 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ भी कनेक्ट करेंगे तो उसका एक ही मतलब है। तो चलिए अब कोड को रन कर लेते हैं। कोड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोड आपका सेम वर्क करेगा। देख सकते हो आप दोनों रोटेट हो रहा है सेम डायरेक्शन पर, और लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं यह भी सेम डायरेक्शन पर रोटेट हो रहा है। जो आपका रोबोट है वो 1 सेकंड के लिए फॉरवर्ड मूव करेगा, देन 1 सेकंड के लिए बैकवर्ड, देन 1 सेकंड के लिए आपको लेफ्ट टर्न लेगा, और 1 सेकंड के लिए राइट टर्न, देन वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने रोबोट को डिज़ाइन कर सकते हैं टिंकर कैड में। कोड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोड सेम रहेगा।
देख सकते हो कि जो चारों मोटर्स हैं वो रन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो L293D मोटर ड्राइवर वर्क करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।